नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन आपका एबीपी गंगा के इस न्यूज बुलेटिन में। मैं आपके साथ राजेंद्र देव। शुरुआत उन्नाव की तस्वीरों के साथ करेंगे। उन्नाव में स्वतंत्रता दिवस के दिन बाइक पर खतरनाक स्टंट का वीडियो वायरल हो रहा है और इस वीडियो में बाइक में बैठा शख्स तिरंगा बांधा हुआ है और शर्ट में आग लगाकर नदी में छलांग लगाते हुए दिखाई दे रहा है। देखिए आप, ये वीडियो वायरल है। ये इंडिपेंडेंस डे स्वतंत्रता दिवस के दिन का वीडियो और ये देखिए आप, तिरंगा बांधे हुए है बाइक पर, शर्ट में आग लगाकर ये जंप कर जाता है पानी। खौफनाक स्टंट आप देखिए, उन्नाव का है। शर्ट में आग लगाकर और बाइक पर तिरंगा बांधकर ये ऊंचाई से पानी में छलांग लगाता है और ये स्टंट बेशक जानलेवा है, इसे सहज समझा जा सकता है। क्या इस पर कार्रवाई होगी, अब देखना होगा। बाइक से नदी में इस युवक ने छलांग लगा दी। नदियां कैसे उफनाई हुई हैं ये हम सब जानते हैं, लगातार बारिश के बाद। और ये देखिए आप, स्वतंत्रता दिवस के दिन बाइक पर सवार इस युवक ने क्या किया। झंडा लगाए हुए बाइक पर तिरंगा, शर्ट में आग लगाता है और तेजी से मोटरसाइकिल से आते हुए नदी में छलांग लगा देता है। ये जानलेवा स्टंट का वीडियो वायरल हो रहा है, उन्नाव का वीडियो बताया जा रहा है। फिर से देखिए एक बार आप, देशभक्ति के नाम पर इस तरह के खतरनाक स्टंट हो रहे हैं। तिरंगे के साथ बाइक पर लगाकर तिरंगे को ऐसे जानलेवा स्टंट किए जा रहे हैं। देखना होगा कि प्रशासन और पुलिस क्या इस वीडियो का संज्ञान लेते हैं, क्या इस शख्स से पूछा जाता है कि उसने ऐसा क्यों किया। लोग खड़े वहां पर देख रहे हैं और अनेकों उसमें से वीडियो बना रहे हैं और वाहवाही बटोर रहा है ये युवक इस खतरनाक और जानलेवा स्टंट। तेजी से मोटरसाइकिल लेकर आता है और नदी में छलांग लगा देता है। उन्नाव का वीडियो एक्सक्लूसिवली आप एबीपी गंगा पर देख रहे हैं। अगली खबर पीलीभीत से है। वर्दी में नागिन डांस करने वाले पुलिस वालों पर कार्रवाई की गई है। एसएसआई सौरभ सिंह और सिपाही अनुज को लाइन हाजिर कर दिया गया है। पूरनपुर सीओ को जांच के निर्देश दिए गए हैं और थानाध्यक्ष और इंस्पेक्टर को क्लीन चिट दी गई। पीलीभीत का ये वीडियो आप देखिए, वर्दी में नागिन डांस किया गया, इसके बाद कार्रवाई की गई है और इस नागिन डांस का वीडियो आप देख रहे हैं। पीलीभीत का ये वीडियो, वर्दी पहनकर नागिन डांस किया गया, बेशक डांस अच्छा था लेकिन पुलिस की वर्दी में करने का कोई सवाल नहीं। ऑन ड्यूटी इस सम्मानित वर्दी में, इस सम्मानित वेशभूषा में ये नागिन डांस किया गया। देखिए आप, पूरनपुर सीओ को जांच के निर्देश दिए गए, थानाध्यक्ष और इंस्पेक्टर को उनकी जांच में क्लीन चिट दी गई है लेकिन एसएसआई सौरभ सिंह और सिपाही अनुज को लाइन हाजिर कर दिया गया। दो लोग जो मुख्य भूमिका निभा रहे हैं इस नागिन डांस में, उन्हीं पर कार्रवाई की गई लगती है। एसएसआई सौरभ सिंह और सिपाही अनुज लाइन हाजिर। अगली खबर वाराणसी से है। गंगा के जलस्तर में फिर से बढ़ोतरी की खबर है। तेजी से बढ़ता जा रहा है गंगा का पानी। जलस्तर बढ़ने से सभी घाटों का संपर्क टूट गया है और श्रद्धालुओं को परेशानी हो रही है। यह बड़ी खबर वाराणसी से। तेजी से गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है और घाटों का आपस में संपर्क टूट गया है और जो श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं निश्चित रूप से ये उनकी परेशानी का कारण है। जलस्तर बढ़ने से सभी घाटों का संपर्क टूटा है, श्रद्धालुओं को परेशानी हो रही है। गंगा के जलस्तर में फिर से वृद्धि की खबर है वाराणसी के घाटों पर विशेषकर। ये देखिए आप, उफनाई हुई, बढ़ी हुई गंगा, जलस्तर बढ़ा हुआ, बहुत कुछ इस वक्त गंगा में जलमग्न है, घाटों पर और आपस का संपर्क भी टूट गया है। तो गंगा का जलस्तर वाराणसी में बढ़ा हुआ है। वाराणसी में जो गंगा का घाट है वो विश्व प्रसिद्ध है।
चाहे वो नौकायन के लिए हो, चाहे वो गंगा आरती के लिए हो, या फिर घाटों पर भ्रमण करते हुए वाराणसी के दर्शनों के लिए हो। लेकिन वहां पर गंगा का जलस्तर बढ़ने से घाटों का आपस में संपर्क टूट गया है और इससे जो श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं उन घाटों पर उन्हें परेशानी हो रही है। बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है गंगा का पानी बनारस में। सीधा आपको वहीं ले चलते हैं और हमारे सहयोगी नीतीश आपको वहां की लाइव तस्वीरें और ये बढ़ा हुआ जलस्तर और उसके परिणाम दिखाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। दिखाइए और बताइए नीतीश। राजेंद्र जी, इस वक्त मैं दशाश्वमेध घाट पर मौजूद हूं और आप देखिए यहां पर जो जल का स्तर है वो लगातार किस तरह से बढ़ा हुआ है। आपको ये जो सामने के जो भी किनारे दिखाई दे रहे हैं सब जलमग्न हो चुके हैं। 84 घाटों का जो आपसी संपर्क है वो टूट चुका है। जो श्रद्धालु हैं या फिर जो स्नानार्थी हैं वो सभी यहाँ पर आकर परेशानियाँ झेल रहे हैं। आप देखिए चारों तरफ आपको ये बढ़ा हुआ जल दिखाई देगा और सभी जो घाट है वो जल में विलीन होते हुए घाट की सीढ़ियां दिखाई देंगी। अभी ये जलस्तर आगे और भी बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। कुछ दिनों पहले राजेंद्र जी ये जलस्तर बढ़ा था और बढ़ने के साथ साथ फिर जलस्तर स्थिर हुआ और पानी तेजी से नीचे आना शुरू हुआ था, तो काशी के जनता ने और आने वाले पर्यटकों ने राहत ली थी कि गंगा का रौद्र रूप शांत हो गया है। लेकिन अभी की जो स्थिति है वो फिर से एक बार जलस्तर बढ़ने लगा है और हालत ये है कि गंगा के बढ़ते जलस्तर से अब लोगों को परेशानी हो रही है। गलियों के सहारे पर लोग आ चुके हैं, चूँकि घाटों का शहर कहा जाता है, एक घाट से दूसरे घाट तक जाने के लिए यहाँ पर घाटों का सहारा लिया जाता है अगर आपको कहीं और भी जगह जाना हो। लेकिन इस वक्त सिर्फ गलियों के सहारे पर है काशी और जो गंगा का जल है वो जो जल पुलिस है उसके पास तक पहुंच चुका है। जलस्तर और भी बढ़ रहा है और उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में ये जलस्तर अगर ऐसे ही बढ़ता रहा तो परेशानियां और भी बढ़ सकती हैं। विशेष एक बार और तस्वीरें सामने दिखाइए। देखिए ये मंदिर है, दशाश्वमेध घाट के जो गंगा सेवा निधि का ऑफिस है वो सामने आपको दिखाई दे रहा होगा, वो जलमग्न हो चुका है। जो गंगा आरती का स्थान है वो यहाँ नीचे होता था, अब वो पीछे की तरफ ऊपर की तरफ हो रहा है। तो जो जलस्तर बढ़ा है उससे परेशानियां चरम पर हैं और हर कोई अपनी परेशानियों को यहां पर बयां करता हुआ नजर आ रहा है। तो थोड़ा घाट के पास चलते हैं और जो आम जनता यहां पर आ रही है उनसे बातचीत भी करते हैं। कुछ युवा यहां पर आए हुए हैं और इनसे बातचीत करते हैं। जलस्तर कितना बढ़ा है? ये हमारा फर्स्ट टाइम है यहाँ पे, कुछ आइडिया नहीं हमको। फर्स्ट टाइम है, क्या देख रहे हैं? ज्यादा लग रहा है थोड़ा। नौका पर तो रोक है, नौकायन अब नहीं हो रहा है। अच्छा हाँ। नहीं तो काफी समय बाद आ रहे हैं तो काफी कुछ बदला हुआ लग रहा था बनारस और जल स्तर काफी बढ़ा हुआ लग रहा है और नहाने का भी है कि किधर जाएंगे क्या करें। तो आप देखिए राजेंद्र जी, ये राजेंद्र प्रसाद घाट की तस्वीर है। पीछे से आने पर यहाँ ऊपर आ सकते हैं आप और ये देखिए ये जो टंकी का ये जो छोर है ये पिलर है ये कभी यहाँ पर घाट होता था और घाट की सीढ़ियाँ होती थी। लेकिन आपको यहाँ जल जल दिखाई दे रहा होगा। नौका जो थी इससे बहुत दूर लगती थी लेकिन अब ये जल के बढ़ने के कारण यहाँ पर लगाई जा रही है। हर ओर आपको बढ़ा हुआ जलस्तर और बढ़े हुए जलस्तर से परेशानियाँ दिखाई दे रही हैं। राजेंद्र जी आपको कहीं भी यहाँ पर राहत मिलती हुई नज़र नहीं आएगी, हर ओर बढ़ा हुआ जल आपको दिखाई देगा। विशेष जहाँ तक हो सकता है तस्वीरें दिखाइए और देखिए किस तरह से ये जो जलस्तर है वो बढ़ा हुआ है। ये जो तस्वीर घाटों पर बैठ के पूजा पाठ करते थे वो कहाँ बैठ रहे हैं नीतीश? घाट का ये बोर्ड लगा हुआ था, ये सिंबल था राजेंद्र जी और ये सिंबल लगभग 4.5 फीट का है। 4.5 फीट में से आधा सिंबल पूरी तरह से डूब चुका है और अब थोड़ा सा और बचा है। तो आप देखिए ये सिंबल ये पूरी तरह से डूबा हुआ। जो लोग हैं उनसे अपील की जा रही है कि आप गहराई में ना आए, पीछे की तरफ रहें। गंगा स्नान में दिक्कतें कैसी हैं और जो नाविक हैं उनका यह क्या कहना है, क्या कितनी समस्याएँ हो रही हैं? सर समस्या तो बहुत हो रही है, यहाँ पे दिक्कत हो रही है आने जाने के लिए। तो बंद है? हाँ बंद है, सब बंद है। हाँ बंद है। आप लोगों के घर का खर्च उर्च कैसे चल रहा है? चल रहा है सर, ऐसे लस्टम सस्टम जो चल रहा है, गरीब आदमी करेंगे क्या। राजेंद्र जी जो पुरोहित हैं जिनकी चौकियाँ घाट किनारे लगती थी जी, उन पुरोहितों की चौकियाँ अब ऊपर की ओर बढ़ती जा रही हैं। तो थोड़ी दिनों के लिए राहत जरूर थी लेकिन फिर से आफत बन के गंगा का जलस्तर काशी की जनता पर टूट पड़ रहा है और किनारे पर लोगों को अलर्ट कर दिया गया है कि ये जलस्तर और भी बढ़ेगा, समस्याएं और परेशानियां और भी बढ़ेंगी। अगर मणिकर्णिका घाट की बात करें तो वहां पर चौदह भी
अब सीढ़ियों के ऊपर होने लगा है, तो कम जगह में शौदाह करना पड़ रहा है, तो शवयात्रियों को भी परेशानी है, जो स्नानार्थी हैं उनको भी परेशानी है जी, और जी, हर स्वाभाविक है, बड़ा हुआ स्वाभाविक है कि बड़े हुए जलस्तर की वजह से जो गंगा के किनारे जो भी प्रक्रिया होती है वो सब प्रभावित हुई है और वो सब निश्चित रूप से बाधित भी हुई होगी। धन्यवाद आपका नीतीश इन तस्वीरों के लिए। आगे बढ़ेंगे कानपुर से आ रही बड़ी खबर के साथ। महाराजपुर थाना इलाके के डोमनपुर गांव में आग लगने की खबर है। दो दर्जन से ज्यादा झोपड़ियां जलकर खाक हो चुकी हैं और खाना बनाने के वक्त सिलेंडर फटने से यह हादसा हुआ बताया जा रहा है। स्थानीय पुलिस और फायर ब्रिगेड को इस बात की सूचना दे दी गई है। महाराजपुर के कपूर फार्म हाउस के करीब की घटना है। ये देखिए आप तस्वीरें एक्सक्लूसिव। ये देखिए आप सिलेंडर फटने के बाद जो आग लगी है और उसके बाद जो अफरा तफरी फैली वहां पर, वो देखिए। स्थानीय पुलिस और फायर ब्रिगेड को इस बात की सूचना दे दी गई है। महाराजपुर के कपूर फॉर्म में ऐसा हुआ है, खाना बनाने के वक्त सिलेंडर फटने से हादसा हुआ और महाराजपुर थाना इलाके के डोमनपुर गांव की तस्वीरें आप देख रहे हैं कानपुर। स्थानीय पुलिस और फायर ब्रिगेड को इस बात की सूचना दे दी गई है। रतीश त्रिवेदी हमारे संवाददाता फोन लाइन पर है। रतीश, क्या इस आग पर काबू पाया गया? देखिए फिलहाल फायर ब्रिगेड मौके पर है और आग बुझाने का काम जारी है, लेकिन आग काफी ज्यादा भीषण है। महाराजपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत डोमनपुर गांव है, यहां पर दो दर्जन से ज्यादा झोपड़ी में आग लगी हुई है और फायर ब्रिगेड से बुझाने की कोशिश कर रही है। स्थानीय पुलिस भी मौके पे है महाराजपुर थाने की, लेकिन सबसे काबिले गौर बात यह है कि जो पुलिस मौके पर पहुंची हुई है वो जी जी रतीश, पुलिस मौके पर पहुंची हुई है। आप तस्वीरें देखिए, धो धो करके जलती है झोपड़ियां और 12 से ज्यादा झोपड़ियां, दो दर्जन से ज्यादा झोपड़ियां इस आग की चपेट में हैं इस गांव में और ये सिलेंडर फटने की वजह से आग लगी। पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचित कर दिया गया है, पुलिस वहां पर है जैसा कि अभी रतीश त्रिवेदी बता रहे हैं। और लोग देखिए सकते में, लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं कि अब क्या किया जाए, कैसे इस आग पर काबू पाया जाए। धो धो करके जलती झोपड़ियां आप देख सकते हैं। कानपुर के महाराजपुर थाने के डोमनपुर गांव की तस्वीर है। सिलेंडर फटने के बाद यह हादसा हुआ। दूध की कीमतों में वृद्धि की खबर है, उस पर अखिलेश यादव ने ट्वीट करके हमला बोला है। अखिलेश यादव ट्वीट करके लिखते हैं के भाजपा सरकार में जिस प्रकार दूध महंगा हो रहा है उसे देखकर तो यह लगता है कि अब लोग दूधो नहाओ जैसे आशीर्वाद भी नहीं दे पाएंगे। भाजपाइयों, बच्चों के मुंह से दूध तो न छीनो। अखिलेश यादव ने ट्वीट करके दूध की बढ़ती कीमतों पर इस तरीके से हमला बोला है। दूध की बड़ी कीमतों पर अखिलेश यादव का यह ट्वीट अटैक। भाजपा सरकार में जिस प्रकार दूध महंगा हो रहा है उसे देखकर तो यह लगता है कि अब लोग दूधो नहाओ जैसे आशीर्वाद भी नहीं दे पाएंगे। भाजपाइयों, बच्चों के मुंह से दूध तो न छीनो, ये अखिलेश यादव का ट्वीट। तो दूध की बढ़ती कीमतों पर, दूध की महंगाई पर ये वार अखिलेश यादव का, भारतीय जनता पार्टी पर, उत्तर प्रदेश की सरकार पर। आपको बताएं कि दूध की कीमतों में 2 रुपए की वृद्धि की खबर है, हम आपको दिखाते हैं। अमूल गोल्ड प्रति लीटर पहले 60 रुपए था और अब 62 रुपए प्रति लीटर हो गया है। इसी तरीके से अमूल शक्ति, यह पहले 54 रुपए प्रति लीटर था, अब 56 रुपए प्रति लीटर हो गया है। अमूल ताजा प्रति लीटर था पहले 48 रुपए और अब हो गया है 50 रुपए। ऐसे ही आपको बताएं कि मदर डेयरी फुल क्रीम पहले 59 रुपए 1 लीटर दूध की कीमत थी, अब यह बढ़कर हो गई 61 रुपए। मदर डेयरी टोन दूध की कीमत प्रति लीटर पहले 49 रुपए थी, अब बढ़कर हो गई 51 रुपए। और मदर डेयरी गाय का दूध प्रति लीटर पहले था 51 रुपए और अब हो गया है 53 रुपए प्रति लीटर। तो दूध की कीमतों में वृद्धि के बाद गाजियाबाद के लोग भी परेशान हैं। उनका कहना है कि कंपनियां आम लोगों के साथ खिलवाड़ कर रही हैं, जब चाहती हैं दूध की कीमतें बढ़ा देती है। महंगाई डायन खाए जात है, दूध के रेटों पर भी बढ़ गए हैं अब 2 रुपया। यानी कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन पर लगातार जो वृद्धि है वह लगातार देखी जा रही है। महंगाई की मार एक बार फिर झेलने को तैयार हैं जो दूध पीते हैं उन लोग, वो लोग यहाँ पर आए हुए हैं मदर डेयरी के। सर आपसे जानना चाहेंगे, मदर डेयरी के जो रेट हैं अब उन पर 2-2 रुपये बढ़ गए हैं, क्या कहेंगे आप? कुछ नहीं कहेंगे साहब, महंगाई बढ़ती जा रही है, इंसान आम आदमी परेशान होता जा रहा है, करे क्या, कोई रास्ता है?
दो रुपए क्या है, 3 रुपए बढ़ाएंगे, 5 रुपए बढ़ाएंगे तो भी दूध लेना पड़ेगा। बच्चों के लिए, चाय पीने के लिए आदमी क्या करे? ये तो गवर्नमेंट को देखना चाहिए ना, मिडिल क्लास आदमी क्या करेगा? क्यों बढ़ाए चले जा रहे हैं? आखिर इसके पीछे का रीज़न क्या है, क्यों इतनी महंगाई बढ़ रही है? उम्मीद है आपको कि आने वाले समय में कम होगा रेट जिस तरह बढ़ रहे हैं? बिल्कुल उम्मीद नहीं है, ये बचपन से देखते आ रहे हैं। एक बार जिस चीज़ पर रेट बढ़ गया, कभी रेट घटा नहीं है आज तक। देखिए बिल्कुल परेशान हैं लोग, क्योंकि दूध तो पीना ही है, बच्चों के लिए दूध जरूर पीना है। आप बताइए, दूध लेने आए हो? ले लिया? क्या लिया, कितना लिया? 1 किलो। कल क्या रेट में लिया था? कल नहीं आया मैं, तो पहले किस रेट में लिया था? लिया हो? मैं तो वही 1.50 में लेता था दूध। बढ़ गए 2 रुपए? 2 रुपए बढ़ गए। परेशानी है? हाँ परेशानी तो है गरीब आदमी को। अमूल और मदर डेयरी, ये वो कंपनियां हैं जो दूध के क्षेत्र में सबसे ज्यादा उत्पाद करती हैं और देश में इनका काफी प्रभाव है दूध को लेकर। दूध कंपनियां ये वो कंपनियां हैं जो दोनों एक साथ तालमेल कर जिन्होंने दूध के रेट बढ़ाए हैं। अलग अलग कंपनियों से ये सोचता है जो आम इंसान है कि एक कंपनी के दूध के पैसे नहीं बढ़ेंगे तो दूसरी के कुछ कम होंगे या बढ़ेंगे, जैसे भी है, लेकिन दोनों ही तालमेल कर एक साथ पैसे बढ़ा रही हैं। तो इससे जो आम लोग हैं वो बेहद ही चिंतित हैं। गाजियाबाद से एबीपी गंगा के लिए मैं शक्ति सिंह। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उन्नाव में नाबालिग हिंदू लड़की के साथ युवक के निकाह का सनसनीखेज मामला सामने आया है। उन्नाव के गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ले में रहने वाली नाबालिग किशोरी के साथ युवक का निकाह कराने के लिए मंगलवार देर रात एक मुस्लिम महिला के दबाव में मौलाना लड़की के घर पहुंचा। हालांकि जैसे ही मौलाना को पता चला कि लड़की और लड़का दोनों हिंदू हैं, उसने निकाह कराने से इनकार कर दिया। मगर जब उसके ऊपर दबाव बनाया गया तो उसने निकाह कराना शुरू किया। हिंदू लड़का लड़की के निकाह के लिए मौलाना जब दुआ पढ़ रहे थे, तभी हिंदू नाबालिग लड़की के निकाह की सूचना पर हिंदू संगठन और आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और हंगामा हुआ। हंगामे की सूचना पर पुलिस भी पहुंची और सभी को हिरासत में लिया। बाला पोसा है तो शादी कर रही थी इसकी, तो किस लड़के शादी हो रही थी? मतलब लड़का हिंदू है मुस्लिम है? हिंदू है। उससे परिचय कैसे हुआ? अच्छा, बातचीत चल रही थी। लड़की हिंदू है, लड़का भी हिंदू है, पर मौलाना जी को बुलाया गया था शादी कराने के लिए, क्या था? नहीं तो आप जानकार हैं, भारत में रहती हैं, तो गलती कैसे हो गई? मतलब आप हिंदू हैं, इंडिया में रहती हैं, सबको जानती हैं। इधर गाजीपुर में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 25,000 के इनामी बदमाश सूरज कुशवाहा को गिरफ्तार कर लिया है। ये बदमाश बिहार का रहने वाला है। पुलिस ने बदमाश के साथी को भी गिरफ्तार किया है और ये बदमाश लूट की कई वारदातों में शामिल रहे हैं। फिलहाल पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। इनामी बदमाश पर शिकंजा कसा है। गाजीपुर में पुलिस को कामयाबी मिली है, 25,000 का इनामी पकड़ा गया। सूचना प्राप्त हुई थी कि एक मुलजिम जिसका नाम सूरज है, जो कि गहमर में हुई एक बैंक मित्र के नसात लूट में शामिल था, और उसका एक साथी यहां से नगर जा रहे थे, तो इनको पुलिस ने रोकने की जो है वो बैरिकेडिंग डाल के कोशिश की थी। पुलिस के ऊपर इन लोगों ने जो है वो फायरिंग करने किया। जवाबी कार्रवाई में एसओजी टीम खानपुर न पुलिस इनके द्वारा जवाबी कार्रवाई में उसके पैर पे जो है वो गोली लगी है, उसको प्राथमिक उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। इधर कौशाम्बी में भी पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान उन दो बदमाशों को गिरफ्तार किया जिन्होंने यहाँ महिला बैंक मैनेजर के ऊपर तेजाब फेंका था। बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग भी की और चरवा थाना इलाके के पास ये मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में दो बदमाश जख्मी हैं। बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की, महिला बैंक मैनेजर पर बदमाशों ने तेजाब फेंका। दो बदमाश इस मुठभेड़ में घायल हुए हैं। कौशाम्बी में दो बदमाश गिरफ्तार किए गए। तो इस तरह से पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी। एक बैंक मैनेजर, एक महिला है, उनके ऊपर एसिड अटैक की घटना हुई थी। इसी पे लगातार इसमें 3 टीमों का गठन किया गया था और वो टीमें तब से लगातार इस पे काम कर रही थी। रात्रि में एक सूचना मिली थी कि जिन लोगों के द्वारा एसिड अटैक किया गया था उनकी गाड़ी लोकेट कहीं पे हुई थी। इसी की सूचना पे हमारी थाना चरवा की टीम और एसओजी टीम और सीओ चायल है, इनके नेतृत्व में टीमों को जो पहले से गठित थी, इन टीमों के द्वारा इसमें उनकी घेराबंदी की गई, जिसमें 2 लोग ट्रेस हुए, लेकिन उनको जब रोकने का प्रयास किया गया तो उनके द्वारा एक साइड रोड पर उनके द्वारा भाग गए वो लोग।
और अंबेडकर नगर पुलिस ने एक नई मुहिम की शुरुआत की है कि बिना हेलमेट के मोटरसाइकिल सवार लोग शहर की सीमा में प्रवेश नहीं कर पाए। इसकी शुरुआत ट्रैफिक पुलिस ने की है और ये नियम बहुत जल्दी ही जिले में पूरी तरह से प्रभावी हो जाएगा। पुलिस का मकसद साफ है कि सड़क दुर्घटनाओं में से होने वाली मृत्यु दर को कम किया जाए। हमारे देश में मृत्यु का एक प्रमुख कारण सड़क दुर्घटना है और उसमें एक जो अहम रोल है कि दो पहिया वाहन पर जब लोग चलते हैं तो वो हेलमेट नहीं पहनते हैं। तो इस समय जनपद में जितने भी एसआई हैं और यातायात पुलिस, उन लोगों को अवगत कराया गया है कि आप लोग अपने स्तर से लोगों को जागरूक करिए कि जो भी दो पहिया वाहन से बाहर निकले वो हेलमेट का प्रयोग अवश्य करें। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।